हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस ये 16 पार्ट है पीपीटी का पीएलसी का, जिसमें हम सारा पीएलसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें सब कवर अप कर रहे हैं जो मेन हो। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे और उससे पहले जितनी भी चीजें हैं मैं वो सब डाल रहा हूँ, तो आप टॉपिक देख के पढ़ लेना। हमारा आज का टॉपिक है रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट यूजिंग बेसिक पीएलसी इंस्ट्रक्शन। गाइस ये गेट्स की बात करी गई है, हमने गेट्स पढ़ा है ना, एंड नॉर नैंड ये सब गेट, ठीक है। उसमें वो बाइनरी फॉर्म में होता है, 1001 ये बाइनरी फॉर्म होता है। किसी भी चीज को लिखने के लिए बाइनरी हर तरह का फॉर्म होता है, तो बाइनरी 01 के फॉर्म में होता है। तो गाइस हम देखते हैं 1 में ऑन करने वाला होता है और 0 में ऑफ। तो ये स्विच के हिसाब से अगर ले तो 1 होता है तो यानी ऑन हो गया, और ऊपर करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, 01 के फॉर्म में। तो हम किसी चीज को 01 के फॉर्म में लिखते हैं। और रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट्स, गेट्स की बात करिए तो गेट्स हमारे पास होते हैं एंड नैंड नोर एक्सोर। ये आपके गेट के बारे में पता है, नहीं पता तो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूजिंग बेसिक पीएलसी इंस्ट्रक्शन और पीएलसी इंस्ट्रक्शन यूज करके, ठीक है। तो हम पॉइंट पे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इसमें क्लियर नहीं होगा तो प्रोग्राम में क्लियर करूंगा मैं, सारे गेट्स के ऊपर भी मैं बनाऊंगा, ठीक है। पहला पॉइंट है द लॉजिकल एंड फंक्शन इज कंस्ट्रक्टेड बाय सीरियल कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट इनपुट, डिजिटल इनपुट या डिस्क्रीट इनपुट, एक ही बोल। तो देखो द लॉजिकल एंड फंक्शन, जो एंड फंक्शन का जो होता है ना लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, सीरियल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, वो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट होता है। वो कैसे होता है मैं अभी आगे अगला ही स्लाइड उसी पे है। एक्सेलेंट, टू मोर सीरियल कॉम्पोनेंट, जब दो होगा तब सीरियल कॉम्पोनेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं द लॉजिकल और फंक्शन इज कंस्ट्रक्टेड बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल इनपुट। यहाँ सीरीज था, ये पैरेलल में, और फंक्शन ना हमेशा पैरेलल में होता है डिस्क्रीट इनपुट में, ठीक है। और इसका टू और मोर पैरेलल कॉम्पोनेंट, टू और मोर कॉम्पोनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं द लॉजिकल नॉट फंक्शन। देखो गाइस यहाँ पे एक गेट एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, और आगे और मिलेंगे एंड नॉर एक्स और एक्स नॉर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, द फंक्शन इज कंस्ट्रक्टेड बाय रेफरेंसिंग द इनपुट सिग्नल विद नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। जो क्लोज कॉन्टैक्ट करते हैं नॉर्मली में, वो नॉट फंक्शन हो गया, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेस कैन फंक्शन। गाइस एक ना बूलियन अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है, अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा तो जहां तक मुझे पता है आपने पढ़ा ही होगा, तो उसमें ये सब बताया गया सीरियल पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो गाइस अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा ना तो पैनिक बिल्कुल मत होना, क्योंकि अगले स्लाइड में कंप्लीट है, इतना ज्यादा मत सोचो। इसमें अगर मैं जल्दी में भी कर रहा हूँ ना, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इसमें कितना भी पावर लगा लूँ, कितनी भी चीजें मैं कर लूँ आपके लिए, लेकिन आपको ना 2 मिनट में लगेगा यार 2 लाइन समझ में आई, तीसरी समझ में नहीं आई। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँ कि आपको वो पार्ट ही समझ में आ जाए, और वो सिर्फ जब ही समझ में आएगा जब उसको ना या तो हम देखते हैं या फिर प्रैक्टिकली करते हैं। देखने अगर हम किसी चीज को चलते हुए भी देख लेते तो हमें बहुत कुछ समझ में आता, जितना हम पढ़ के नहीं समझ आते, ठीक है गाइस। वैसे ये सब गेट है, ये भी सब गेट था, ये भी सब गेट है, तो मैं इतना ज्यादा ना करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये गाइस ये अगर पीएलसी के फॉर्म में देखे ना, एग्जामिंग इफ क्लोज, एग्जामिंग इफ ओपन, ये भी नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज की तरह ही है, ये एक स्विच की तरह वर्क करता है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना आपको, ये होता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। गाइस इसमें क्या था, सिर्फ सीरीज में तो एक ही आएगा, पैरेलल में भी एक ही आएगा। अब दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज भी आएगा, लेकिन उसको पीएलसी के फॉर्म में बोलते हैं एग्जामिन इफ क्लोज, एग्जामिन इफ ओपन। इसका मतलब एग्जामिन इफ क्लोज यानी वो क्लोज कंडीशन में, एग्जामिन इफ ओपन वो ओपन कंडीशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, सब क्लियर होगा आपका। देखो गाइस इक्विवेलेंट लैडर लॉजिक डायग्राम, ये डायग्राम है, देखो क्या है, ये लॉजिकल डायग्राम है, ये ट्रुथ टेबल है, ये लैडर डायग्राम है। एंड गेट क्या होता है, ये देखो एंड गेट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और ट्रुथ टेबल जो भी हम बाइनरी फॉर्म जैसे बोल रहा था मैं 001 के फॉर्म में होता है 01 के, अब बोलोगे ए बी सी इसमें ये सब कैसे आया, ठीक है गाइस। तो इसका ये होता है कि हम ए और बी को प्लस करते हैं तब हमारा ये सब, ये ट्रुथ टेबल याद ही करना पड़ता है हमें, ठीक है, ये हमें याद ही करना पड़ेगा। जैसे होता है कि 00 उसके बाद ये मान लो ये लैडर डायग्राम है हमारा, ये प्रोग्राम है, ठीक है। अब ये हम चेक करेंगे, देखो हमने ए को प्रेस करा, ए स्विच को, ठीक है, तो ए तो ऑन हो गया लेकिन बी बंद है, तो क्या रिजल्ट हमारा सी ऑन होगा, यानी मोटर जो लगा हुआ वो ऑन होगा। ये दो स्विच है गाइस,
ठीक है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, एक जैसे स्विच है ना। अब देखो ये फंक्शन समझने का मतलब, हमने पहले बटन को दबाया, ए को दबाया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो नहीं, पहले को नहीं दबाया ना, सेकंड को दबाया तो आंसर भी जीरो आएगा, पहले को नहीं दबाया, सेकंड को दबाया, ठीक है, इसको प्रेस करा तो भी जीरो आएगा, और पहले को प्रेस करा, सेकंड को प्रेस नहीं करा तो भी जीरो आएगा, और स्टार्टिंग के दोनों को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, अब लाइन पूरी क्लियर हो गई, तब ये हमारा रिजल्ट आएगा, तभी लिखा है वन वन को प्रेस करा तब जाके वन आया, ठीक है गाइस, ये एंड गेट है, ऐसी सब है, ये ट्रूथ टेबल है, ये ट्रूथ टेबल थोड़ा इजी है। और गेट क्या है, और गेट बताने का, ये डायग्राम एक जैसे नहीं है, थोड़ा समझने के, ये थोड़ा इस टाइप में कर्व है, ये इस टाइप में कर्व है, ये आपने पढ़ा ही होगा, एक्सक्लूसिव और गेट, और गेट में ऐसे बनता है, ठीक है, सब में ए बी सी होगा, ए बी सी, ये बाइनरी फॉर्म है, नैंड गेट और गेट। अब देखो गाइस क्या हो, इसको समझने के लिए ए और बी स्विच लगा दी, जीरो जीरो जीरो, किसी को नहीं दबाया तो जीरो हो गया, जीरो, सेकंड को दबाया, देखो भाई ये यहाँ क्या था, यहाँ था लाइन, ठीक है, इसको दबाएंगे तो जाएगा, लेकिन आगे से तो कुछ नहीं आ रहा, इसमें क्या है, ये लाइन आगे ऐड हो गया है, तो ये भी पावर से आ रहा है ना, ये भी पावर से आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ यही पावर आ रहा है, जब तक यहाँ नहीं आएगा तो आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे हमने इसको दबाया तो यहाँ से लाइन गई, ये ऑन हो गया, तो वही बोला कि सेकंड दबाएंगे तो आ जाएगा, फिर फर्स्ट भी दबाएंगे, फर्स्ट को भी पावर मिल रहा, फर्स्ट से फर्स्ट सीधा आ गया, अब दोनों को भी दबाएंगे तो आएगा, हाँ, लेकिन किसी को नहीं दबाएंगे तो ये मोटर ऑन नहीं होगा, बल्ब ऑन नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात, प्रोग्राम में क्लियर होगा, अगर यहाँ दिक्कत हो रही तो थोड़ा समझो, देखो गाइस ये जीरो 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 का मतलब क्या है, हमने ना जीरो को प्रेस करा ना बी को प्रेस करा, हमारे पास स्विच दो ही है, इनपुट हमने दिया नहीं तो आउटपुट कैसे ऑन होगा, जीरो वन, यहाँ पे जीरो नहीं दबाया, इसको दबाया, इसको बी को दबाया तो हमारा रिजल्ट आ गया, गाइस ये पावर आ रहा है, यहाँ पे पावर की दिक्कत थी, यहाँ पे बीच में से दबाने से आ थोड़ी जाएगा, आगे से भी तो आना चाहिए ना, आप बोलोगे ना यहाँ पे ये दबाया तो वन क्यों नहीं आया, वन इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये पावर में नहीं है, यहाँ से पावर स्टार्ट है, पहले ए में आएगा फिर बी में आएगा तब सी में आएगा, ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट बी में दबाया आ गया, यहाँ पे पावर स्टार्टिंग से ही है, यहाँ आगे आके कनेक्ट कर दिया, ये अगर ये स्विच ना यहाँ कनेक्ट होता ना तो प्रोग्राम भी गलत होता और यहाँ कनेक्ट होता तो भी नहीं काम करता, क्योंकि ये तो ओपन है ना स्विच, ये आगे कनेक्ट है, तो बी को भी दबाएंगे तो भी आएगा, ए को भी दबाएंगे तो भी आएगा, समझ गए, वैसे ही गाइस यहाँ पे यार बोलोगे ये कटे हुए क्या चीज है, मैं थोड़ा समझा दूँ इसको, ये हो गया कटे हुए नहीं, मैंने दो स्विच बताई थी, एक नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, ये पहले से ही क्लोज है, इसे दबाओगे तो ये ओपन हो जाएगा, इसे दबाओगे तो ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज का मतलब स्विच ऑन हो गया, और ये पहले से ही ओपन ऑन है स्विच, ठीक है, वही है इस गेट में, जीरो जीरो जीरो, किसी को भी दबाओगे जीरो जीरो आएगा, ठीक है, जीरो वन जीरो, अब देखो बी को दबाओगे, ठीक है, ये तो क्लोज है, यहाँ से तो पावर आ रही है, सिर्फ बी को ही दबाना है ना, बी को दबाओगे तो रिजल्ट आएगा, पक्का आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा ना, इस कंडीशन में आएगा ना, नीचे वाले कंडीशन में आया ना है, हमें तो देखना है कि चल रहा है नहीं चल रहा किसी भी कंडीशन में, अब बोल रहा है ए को दबाओगे तो आएगा आंसर, ऑब्वियसली आएगा, नीचे वाले कंडीशन से आएगा, ऊपर वाले कंडीशन से नहीं आएगा, ए को ये तो पहले से ही ऑन है, दबाओगे तो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये स्विच का वर्क थोड़ा अपोजिट है इसके, ये ओपन है ये क्लोज है, इसको दबाओगे तो ये क्लोज हो जाएगा, इसको दबाओगे तो ये ओपन हो जाएगा, तो इस कंडीशन में तो हो रहा है ना, ए को दबाएंगे तो बी तो पहले ही ऑन है, ए को दबाया पावर मिला और ये ऑन हो गया, समझ में आ रही है बात गाइस, सेम बाकी क्वेश्चनों में भी थोड़ा समझ जाना, ठीक है, नहीं तो हमारा इसी में लॉन्ग खींच जाएगा, ठीक है, सेम वही कंडीशन है, जीरो जीरो वन, किसी को नहीं दबाया तो वन आ गया, अब बोलेंगे कि हम तो सारे कंडीशन में जीरो था, गाइस स्विच देखो ये ऑन वाला स्विच दोनों लगा रखा है, हम दोनों को दबाए भी ना तो ये ऑन ही है, तो आ ही रहा है, पहले कंडीशन में तो अपने आप आ रहा है, पावर तो अपने आप आ रही है, स्विच पे डिपेंड करता है, हमारा जो ये है ना एंड गेट ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल याद करनी पड़ती है ए बी का, ठीक है, नहीं भी याद है तो याद कर लेना, पहले में दो जीरो और दो वन डालना है, फिर क्या करना है, यानी दो जीरो का जीरो जीरो, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो और वन वन, ये कंडीशन अप्लाई करा हर में, ये ए बी का कंडीशन सब में सेम होगा, इतना याद कर लो, और क्या करोगे उसके बाद डायग्राम बना के जीरो जीरो करोगे तो वो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा वो देख लोगे तुम आसानी से, बहुत आसान है ट्रूथ टेबल याद करने का, ठीक है, मैं समझ गए होंगे कुछ लोग अगर मैं जैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ ये स्विच पे डिपेंड करता है, जैसे हमारा आंसर आ रहा है ना वन, वन कैसे आ रहा है,
तो हमारा पता चल जाएगा कि हमें कैसा स्विच लगाना है। अब देखो, हमने इसमें से एक को भी ऑन करा, बी को करा, दबाया, तो भी ये मोटर ऑन है। अब बोलेंगे बी को दबाएंगे तो ये तो ओपन हो जाएगा, लेकिन ए से तो चल ही रहा है, तो वन तो आ ही रहा है, उसको मिल ही रहा है, चाहे नीचे से मिले या ऊपर से मिले। अब दोनों को दबाएंगे तो जीरो हो जाएगा, हर कंडीशन में दोनों को दबाने पे जीरो नहीं होता, ठीक है, लेकिन दोनों को दबाएंगे क्योंकि दोनों तो अभी ऑन कंडीशन में, ऊपर वाले में ऑन कंडीशन में था तभी तो ऑन था, नीचे वाले में दबा दोगे तो जीरो हो जाएगा। वही है गाइस, सेम इस कंडीशन में भी है, दोनों स्विच सीरीज में लगा दिया है, ये पैरेलल में, सीरीज और पैरेलल में फर्क होता है गाइस, पहली बार मैंने जस्ट अभी बताया था, सीरीज में एक भी दबाओगे तो आगे नहीं पहुंचेगा, ठीक है, एक बीच में करोगे तो आगे नहीं जाएगा, लेकिन पैरेलल में एक को दबाओगे तो अगले कंडीशन से वो ऑन ही रहेगा, समझने वाली बात है, ठीक है। तो गाइस आज हमारा ये ट्रूथ टेबल और नैंड गेट, ये इतने सारे गेट होते हैं और भी गेट होते हैं 3-4, वो आपको बता दूंगा जब हमारा होगा कुछ भी चीज, ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो गाइस, ठीक है गाइस, तो आज हमारा पीपीटी का ये खत्म होता है।